माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करता हूँ। आप सभी स्वर्गीय श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी श्रद्धांजलि तक रुके, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। परम आदरणीय मंच को मृतप्राय समझ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक बात बता दूं, इस देश का मैं सबसे बड़ा कवि हूँ, आदरणीय राजकिशोर जी, सही बता रहा हूँ, अभी आप सुनेंगे। हुआ क्या मित्रों, अभी देखिए, शुरुआत अभी श्रद्धांजलि दो मिनट बाद अर्पित करूंगा पुलवामा के शहीदों को। हुआ क्या, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ ताजा ताजा, अब वहां देखिए स्थितियां क्या हुई। आदरणीय स्वागत दादा, पर्ची गिर गई, रोजे गिरत रहा, कितना बटोरे अभी हुई। हमने भाई तिवारी जी का जो है, अब तिवारी जी की स्थितियां बड़ी विषम हो गई, अब देखिएगा, चार पंक्तियों में उठाया हूं। चलो अब गंगा के उस पार चले, चलो अब गंगा उस पार चले, आपके संग हम भी हैं तैयार, चले। मोदी जी के नाम का बिल कब तक फाड़ोगे? क्या बात, मोदी जी के नाम का बिल कब तक फाड़ोगे? तिवारी भैया झोला उठाओ, बिहार चले। तिवारी भैया झोला उठाओ, बिहार चले। काम तो करना पड़ेगा, छोटे नेताओं को भी करना पड़ेगा। हम लोग दरअसल राजनीतिक व्यंग टिप्पणियां ज्यादा करते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, दो तीन मिनट रुकूंगा, आप लोग अपने राजनीतिक कपड़े उतार दीजिएगा, दो चार मिनट के लिए आनंद लीजिएगा, सामान्य व्यक्ति की तरह। आप कविता सुनने आए, हास्य व्यंग सुनने आए, आनंद लीजिएगा। और अभी हमारे बाबा गए थे वहां दिल्ली में, कह रहे थे कि दिल्ली के स्कूलों को मैं यूपी जैसा कर दूंगा। दिल्ली के स्कूलों को यूपी जैसा कर दूंगा। लेकिन वहां एक प्रश्न उठ गया, भाई चिंताएं सबकी अपनी अपनी, अपनी अपनी चिंता है, अपनी अपनी सोच, देखिए तो चिंता वहां भी आ गई। चिंता ये आई कि बाबा स्कूल तो कर देंगे, आपने बीच में जो ग्रामीण परिवेश से लोग जुड़े होंगे उन्होंने एक घटना ध्यान में उनके होगी, प्राइमरी स्कूलों में पहले 100-150 सांड बंद कर दिए जाते थे, महीनों भर स्कूल बंद रहा था वो, उस घटना से मैंने इन पंक्तियों को जोड़ा है। लिखा भाग्य में सूखा हो तो बाढ़ कहां से लाओगे, लिखा भाग्य में सूखा हो तो बाढ़ कहां से लाओगे, जेठ की तपती गर्मी में आषाढ़ कहां से लाओगे, जेठ की तपती गर्मी में आषाढ़ कहां से लाओगे, ओ दिल्ली के स्कूलों को अगर यूपी जैसा कर दोगे, दिल्ली के इस स्कूलों को अगर यूपी जैसा कर दोगे, फिर क्लासरूम में बैठाने को साड़ कहां से लाओगे, फिर क्लासरूम में बैठाने को। देखिए व्यंग का मतलब यह नहीं होता किसी की निंदा करना, इससे सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को सतत रखना हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, बाकी और कुछ नहीं। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं मित्रों। अभी मृत्युंजय का बड़ा आदेश था कि दादा सन्नी लियोनी वाली पंक्तियां जरूर पढ़िएगा, ये पंक्तियां बड़ी वायरल हुई है, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, आदरणीय राजकिशोर जी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। स्वागत दादा। हुआ क्या, हमारी राजनीति, भारतीय राजनीति, महात्मा गांधी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चलते हुए सपना चौधरी तक पहुंच चुकी है। इंदौर के एक नेता जी ने इच्छा जाहिर की है
कि सनी लियोनी भी आनी चाहिए, तब हमारी विनिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। अब विनिबिलिटी देखी जाती है, देखिएगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं। पायल बंधेगी सत्ता के सपना के पांव में। वाह वाह दादा वाह वाह। पायल बंधेगी सत्ता के सपना के पांव में, नाचेगा निरहुआ भी घूम घूम गांव में। नाचेगा निरहुआ भी घूम घूम गांव में। तुमको कबाल बाला है राजनीति में, तुमको कबाल बाला है राजनीति में। बस सनी लियोनी की है कमी चुनाव में, बस सनी लियोनी की कमी चुनाव में। और चार पंक्तियां और बढ़ता हूं। देखिए, धरना देना कितना आसान काम हो गया है, बहुत आसान काम है गुरु, धरना देना। दुनिया में सबसे आसान काम कुछ है तो धरना है। धरने के लिए मेरी भी इच्छा हुई एक बार कि मैं भी धरना दूं, लेकिन उस इच्छा में देखिएगा कि मेरी इच्छा कहां से कैसे जागृत हुई और कहां खत्म हो रही। आनंद लीजिएगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। पढ़ दे भैया, वो पढ़ दी थी, सब पढ़ा जाए। अरे मुझको भी मेरे मन की सरकार चाहिए, मुझको भी मेरे मन की सरकार चाहिए। हो टैक्स फ्री अरबों का व्यापार चाहिए। मेरी भी तमन्ना है कि धरने पे मैं भी बैठूं, मेरी भी तमन्ना धरने पे मैं भी बैठूं। बस बाबा का मुझको जादुई सलवार चाहिए, बाबा का मुझको जादुई सलवार। और देखिए, हमारे बाबा थे राम रहीम जी, जेल में है अभी भी, लेकिन क्या हुआ, हमारे हरियाणा सरकार के कुछ नेताओं ने कहा नहीं, बाबा को पेरोल मिलनी चाहिए, समाज में थोड़ा उनकी जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन बाबा से किसी ने नहीं पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए। बाबा से मेरी बात हुई, सीधा संपर्क बाबा से मेरी बात हुई। बाबा ने क्या कहा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हराहू कुकर्मों से मुझे जीत चाहिए, हराहू कुकर्मों से मुझे जीत चाहिए। आत्मा है तड़प रही कोई मीत चाहिए, आत्मा है तड़प रही कोई मीत चाहिए। पेरोल दीजिएगा भले चार साल बाद, पेरोल दीजिएगा भले चार साल बाद। बाबा ने कहा पहले हनी प्रीत चाहिए, क्या बाबा ने कहा पहले, क्या बात है दादा, वाह वाह वाह। और अब उस गीत पे आता हूं, उसके पहले चार पंक्तियां पुलवामा के शहीदों को नमन करते हैं। अब आप लोग मूड में आ चुके हैं, अब चाहे जो मैं सुनाऊं आला बाला आप सुन लेंगे, इतना विश्वास है मुझे। चार पंक्तियां देखिएगा, एक गीत पढ़ता हूं, इसमें तालियों की जरूरत आपकी नहीं है, बस आप हमारे साथ रहिएगा। दो एक बंद पढ़ूंगा, पुलवामा के शहीदों को नमन करता हूं। जी स्वागत है दादा। है नमन शहीदों के बलिदान को, है नमन शहीदों के बलिदान को। कोख मां के जो मर के अमर कर गए, क्या बात है, क्या बात है दादा। है नमन उन शहीदों के बलिदान को। कोख मां के जो मर के
के अमर कर गए है नमन उनकी ऊंचाइयां क्या हिमालय छुए उनकी ऊंचाइयां क्या हिमालय छुए उनके सम्मुख है पर्वत भी बने हुए उनके सम्मुख है पर्वत भी बने हुए सौ के आंचल में मां के जो अंबर गए क्या बात है क्या बात है वाह वाह है नमन और उसकी वीरांगना क्या कहती है उस बलिदानी की वीरांगना क्या कहती है स्वागत है दादा उस बलिदानी की वीरांगना क्या कहती है हमने सरकार से आग्रह किया है ट्विटर पे अपने सरकार 14 नवंबर को बलिदानी दिवस के रूप में मनाए वैलेंटाइन डे के रूप में ना मनाए बिल्कुल 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 है नमन लाली मेहंदी महावर है सब आपके लाली मेहंदी महावर है सब आपके है हथेली नयन और अधर आपके है हथेली नयन और अधर आपके आप तो मान से बस उतर कर गए है नमन वाँ, वाँ, वाँ। है नमन उन शहीदों के बलिदान को पाख माँ के जो मर के अमर कर गए एक छोटी सी गुड़िया है घर में उसने एक सवाल किया अपनी माँ से उस सवाल का उत्तर उसकी माँ क्या देती है देखता भूत आँखें सिसकने लगी देखता भूत आँखें सिसकने लगी रोना ना मेरी रानी माँ कहने लगी रोना ना मेरी रानी माँ कहने लगी पापा तेरे लंबे सफर पर गए क्या बात है क्या बात है वाह 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 नमन उन शहीदों के बलिदान को कोख माँ की जो मर के अमर कर गए वाह वाह और इस गीत का एक बार सुनाता हूँ क्या कहने वाह वाह जिसका आदेश बच्चों ने किया है जी दादा सुना देता हूँ नहीं तो बच्चे कहेंगे दादा बिना पैसे को अरे भाई जब दिख गए यार मैं टोपी इसीलिए माला जल्दी नहीं पहनता हूँ सिर में कुछ है नहीं बेमतलब हीरो बनता रहता हूँ लेकिन अब क्या करूँ कहीं कहीं बच्चे मरवा ही देते सुनिएगा एक गीत का सामाजिक सरोकार का गीत मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ परिवर्तन हमारे समाज में आदरणीय राजकिशोर जी परिवर्तन कैसा हुआ है और कहाँ तक ये परिवर्तन जा रहा है और क्यों हुआ है चार पंक्तियां पढ़ता हूँ स्वागत है हमने प्रतीकों के माध्यम से बात की है बोतल में बंद पानी हमारी नई संस्कृति है कुआं हमारी पुरानी संस्कृति है बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा इस गीत का आनंद लीजिएगा प्रियांशु जी के पिताजी बैठे हैं सादर प्रणाम करता हूँ उनकी माँ को भी सादर प्रणाम करता हूँ आप लोगों को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ आप लोगों ने इतने मन से मुझे सुना इस गीत को आप सुनिएगा कई संवेदनाओं की लहर आपके मन को छू जाए आपके दिल को छू जाए आपके हृदय को छू जाए तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा स्वागत है दादा पढ़िए वाह बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी सुनता नहीं कुएं की सुनता नहीं कुएं की कोई भी अब कहानी वाह बिकने लगा है
जब से बोतल में बंद पानी पोखर भी खो रहे हैं, खलिहान खो रहे हैं, पोखर भी खो रहे हैं, खलिहान खो रहे हैं, छप्पर के फूस कच्चे दालान खो रहे हैं, खेतों से खो रही है खुशबू भी जाफरानी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 जब से बोतल में बंद पानी। अगला बन देता हूं, गोरक्षा का। गोरक्षा का बंद देखिए हमारे पूर्वजों ने कैसे किया था, वहीं से शुरुआत करता हूं। जी स्वागत है। बैलों की जोड़ियां और हलवाहे खो रहे हैं। जी बैलों की जोड़ियां और हलवाहे खो रहे हैं, गायों के झुंड वाले चरवाहे खो रहे हैं, गायों के झुंड वाले चरवाहे खो रहे हैं, मिलते नहीं है बूढ़े, मिलते नहीं है बूढ़े, बरगद तेरी निशानी, बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी। और हमारे संबंध देखिए कहाँ खोते जा रहे हैं। मौसी की लोरिया और बातें बुआ की प्यारी, वाह वाह मौसी की लोरिया और बातें बुआ की प्यारी, कोयल की बोलियों संग जुगनू की अदाकारी, कोयल की बोलियों संग जुगनू की अदाकारी, गांव से खो रही है अलहर सी अब जवानी, बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी। ये गीत हुआ क्यों, इसका अंतिम बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, समय बहुत हो रहा है। वाह स्वागत है जी। सम्मान खो रहे हैं, सत्कार खो रहे हैं, सम्मान खो रहे हैं, सत्कार खो रहे हैं, परिधान खो रहे हैं, परिवार खो रहे हैं, सोने पे चढ़ गया हो, सोने पे चढ़ गया हो, पीतल का जैसे पानी, वाह वाह बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी, बिकने। मैं चाहता हूं इससे भी ज्यादा तालियां आपकी उठनी चाहिए। इस श्रेष्ठ गीत के लिए पूरा मंच आपको बधाई देता है, पूरा श्रोता समुदाय आपको बधाई देता है। दादा निश्चित रूप से आज मानवीय मूल्यों का, संवेदनाओं का जिस तरह से क्षरण होता जा रहा है।